हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुल एक्टिव केस 9,500 हैं, इसमें से कुल 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। वे भी हॉस्पिटल में वे लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव गांव में जाकर के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही है। हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उन सभी को वैक्सीन देने के लिए प्रेरित भी कर रही है, और जहां आवश्यकता पड़ती है तो वैक्सीन के बूथ भी स्थापित करके वैक्सीन के लिए लोगों को आगे बढ़ा करके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और ये वैक्सीन फ्री में है। सतर्कता और सावधानी न केवल सामान्य लोगों को बल्कि बुजुर्गों को, 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को और बच्चों को खासतौर पर इसके प्रति सतर्क होना होगा। 500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए हैं जिसमें जागरूकता के विभिन्न बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि हम निगरानी समितियों के माध्यम से गांव गांव स्क्रीनिंग का कार्य करें। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता है, सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, तो उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उनको वहां पर टेस्ट करवाना, और लक्षण युक्त व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर के उपचार की व्यवस्था करना। गौतम बुद्ध नगर जनपद में जिम्स ने कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। थर्ड वेव के दौरान भी यहां पर 450 बेड्स का हॉस्पिटल, जिसमें 300 बेड्स तो हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, 120 बेड्स यहां पर वेंटिलेटर से युक्त हैं और बहुत अच्छी सुविधा यहां पर सभी पेशेंट्स के लिए उपलब्ध कराई गई है। दूसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वालों की संख्या बहुत कम है, जो मैंने पहले भी कहा कि 0.5% से भी कम है। तो इसलिए टीम हमारी पूरी तरह सतर्क है और हर प्रकार की दृष्टि इसके प्रति सजग होकर के कार्य कर रही है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान भी मुझे यहां पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज मैं इसलिए फिर एक बार देखने के लिए आया हूं कि थर्ड वेव के दौरान दिल्ली के नजदीक होने के नाते, लोगों का फ्रीक्वेंट आवागमन होने के नाते यहां पर क्या स्थिति है, इसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर हेल्थ विभाग के द्वारा, जिम्स के द्वारा, कोरोना वॉरियर्स जितने हैं उन सभी लोगों ने भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का यहां पर भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। मामलों की देखभाल करने के लिए इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर भी बनाए हैं, जिनके माध्यम से न केवल निगरानी समितियों से संवाद बना करके डोर टू डोर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन के अभियान को भी एक गति देने का कार्य हो रहा है। और हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं या होम आइसोलेशन में जो हैं, उनसे भी उनसे संवाद बनाया जा रहा है। प्रदेश मुख्यालय से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी और मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसकी निरंतर समीक्षा कर रहा है। 50,000 कॉल हम लोग सीएम हेल्पलाइन से प्रतिदिन होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल में जो लोग हैं उन लोगों से संवाद बनाने या वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को गति देने में भी
करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर जिम्स का दौरा करने और मुझे एक गांव का विजिट भी करना है जहाँ पर हम लोग उस गांव का दौरा करके उस गांव में निगरानी समिति किस रूप में कार्य कर रही है इसको भी निरीक्षण करने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो आज मैं इसीलिए गौतम बुद्ध नगर जनपद के दौरे पर विशेष रूप से आया हूँ। धन्यवाद जी। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेरे लिए आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री गण थे वे गौतम बुद्ध नगर आने में संकोच करते थे, उनको भय होता था, उनके लिए स्वयं का जीवन और स्वयं की सत्ता महत्वपूर्ण होती थी लेकिन प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए और उनके स्वस्थ और खुशहाली के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं था इसलिए वे आने में संकोच करते थे। लेकिन मुझे कई बार यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और कोरोना प्रबंधन के दौरान भी मुझे यहां पर अलग अलग समय में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी आज टाइम से पहुंचे हैं। आज हम हमेशा टाइम पे ही रहते हैं। नहीं आज अच्छे पहुंचे हैं सर आप।